सरिश नजर नहीं आता। सब कुछ कर लिया, अब कुरान हदीस भी करके देख लेते क्या असर होता, कि ये है अब क्या होता। देखिए बहुत इलाज कराए कुछ नहीं हो कुरान हदीस से। मेरे भाई कुरान हदीस से इलाज करा लेते सब हो गया, दुनिया घूम लिए, तावीज गंडे कर लिए। मैंने ऐसे ऐसे शब्दबाज और काहिनों को देखा, अपने ईमान को मुसलमानों पक्का करने की जरूरत है, जो ऐसे इलाज करते हैं कि सामने आप खड़े, आपको बुलाते इधर आइए, आंख में तकलीफ है ना, मोतियाबीन है, उंगली डाल के आंख निकाल लेता आपके हाथ के अंदर, और हाथ में निकाल के मोतियाबीन का इलाज करके वापस ठूस देता आपके सामने, और वाकई में आप बाद में टेस्ट कराइए इलाज हो गया। ऐसे शब्दबाज और काहिनी मैंने देखे जो जादू से इलाज करते हैं, किडनी स्टोन लिटरल सेंस में आपकी आंखों के सामने आपको औंधा डाल के हाथ से वो चीरेंगे ऐसा आपके जिस्म को, और किडनी को निकालेंगे आपके सामने बाहर, आप देख सकते हो उसकी फंक्शन होते हुए, और उसके बाद उसको छिलेंगे अपने हाथ से, कंकर को निकाल कर आपके हाथ में देंगे और बंद करके लगाएंगे और बोलेंगे आप जाके स्कैन करके आओ, और आप स्कैन करके आएंगे वो किडनी का पत्थर निकल चुका है। अब वो क्या लग रहा है शब्दबाजी को छोटे, ये छोटे से हाइस्ट लेवल तक होती है। ऐसा देख के थोड़े यार, जब आप छोटे मोटे बाबा से तो किडनी निकाल देता, आंख निकाल के आपका इलाज कर रहा है, क्या बोलेंगे आप? दिल को बगैर बायपास के आपके इलाज निकालता, सामने हाथ में निकालता आपको, धड़कते हुए दिल को बताएंगे निकालकर। इस लेवल तक शब्दबाजी कहना तो जादूगरी होती है, अपने ईमान को पक्का करने की जरूरत है। ये सारी चीजें फालतू है, हमको कोई चीज ये जो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय इल्ला बिज़्निल्लाह, अल्लाह जो चाहेंगे हमारा। लेकिन इलाज कराना चाहिए, इलाज सुन्नत है, कराना चाहिए, तवक्कुल भी है, भरोसा भी करना, लेकिन इलाज भी कराना चाहिए। लिहाजा तफसीलात इलाज की इसमें आ जाएंगी। तो अब सब कुछ करने के बाद चलो कुरान हदीस भी करते तो फिर कुरान हदीस का असर नहीं होता, कुरान हदीस ही सब कुछ कर सकता है, अब असर होगा। पहले अपने अखीदे को बदल लिए मेरे भाई। अगर समझ लीजिए मैं आपको डाकू आपके खेत पर हमला कर रहे, आपकी माला दौलत पर एक बंदूक दे रहा हूँ, बहुत बिल्कुल जर्मन मॉडल ला के दे रहा हूँ, ठीक, जर्मनी की बनी हुई या यूएस मॉडल ला के दे रहा हूँ गन इस्तेमाल के लिए, भाई आपको आए तो इससे शूट कर देना। अब अगर आपके हाथ कमज़ोर और गन चलाना नहीं आती हो तो उसमें बंदूक की गलती है क्या? फैज भी उठती नहीं, दुश्मन आया तो अपनी गिर जाते उठाते उठाते इतनी वजनी है, तो उसमें बंदूक की गलती है कि वो ख़राब है? नहीं, बंदूक तो उठ जा रही है लेकिन वो जमराज नहीं, कुछ भी करके गोली नहीं निकल रही, तो बंदूक की गलती है। हथियार सबसे आला है, इस्तेमाल करने वाले में सलाहियत और ताकत नहीं है तो हथियार को बुरा मत बोलिए। किताब और सुन्नत में इलाज है, करना नहीं आता और तुम्हारा ईमान उस लेवल का नहीं है तो इसको कुछ मत बोलिए। सब दुनिया घूम के आ गए और आप बोल रहे चलो कुरान हदीस से भी कर लेते, नहीं होता फिर फायदा, नहीं होता, जाओ फिर। यह अकीदा रखना होगा कि अल्लाह की किताब उसके रसूल की सुन्नत में इलाज है। इस्लाम इस चीज़ में आपको कैसा छोड़ेगा घूमता हुआ कि इलाज नहीं है, लेकिन किताब व सुन्नत में है, मनमाना इलाज नहीं, याद रखे, ठीक है? तो हमको उस अकीदे से करना है। तो हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ है, या तो हमारे हाथ कमज़ोर उठा नहीं पा रहे या तो हमें चलाना नहीं आ रहा उस चीज़ को, ठीक है? तो ये गलत फहमी होती है, अरे इलाज कराए कुछ नहीं होना, छोड़ दीजिए। सेकेंड, एक सुनहरा